दोस्तों जय हिंद, जय भारत। मैं दीपक, कृषि बाजार भाव यूट्यूब चैनल पर आपका अभिनंदन है। आज का मंदसौर मंडी का बाजार देख लेते हैं बिल्कुल छोटे तरीके से, कौन सी क्वालिटी नीचे मूल्य पे क्या बिकी और उच्चतम भाव पर क्या बिकी है। तो बात करते हैं दोस्तों मक्का के बाजारों की। मक्का नीचे में 846 रुपये से लगाकर ऊपर में 1250 रुपये तक बिकी है। मक्का की आवक की बात करें तो लगभग 140 बोरी 150 बोरी के आसपास मक्का की आवक देखने को मिली। उड़द की बात करें, उड़द में 100 बोरी के आसपास आवक रही है और बाजार 4400 रुपये से लगाकर ऊपर में 7800 रुपये तक बढ़िया क्वालिटी का उड़द बिका है। सोयाबीन की बात करें तो लगभग 4000 बोरी से अधिक की आवक देखने को मिली है और 3200 रुपये से लगाकर 3850 रुपये तक के बाजार देखने को मिले हैं सोयाबीन के अंतर्गत। तो सोयाबीन में बाजारों में तेज़ी देखने को मिली है सोयाबीन के बाजार में। इसके अलावा बात करते हैं गेहूं के बाजार कैसे रहे। 1425 रुपये से लगाकर 2100 रुपये एक लोट ऊपर में बिका है। अमूमन बाजार 1700 से 1800 रुपये तक का ही है, इससे ऊंचा बाजार नहीं है गेहूं का। इसके अलावा चने में लगभग 150 से 200 बोरी के आसपास की आवक है। 4657 रुपये नीचे में बिका है, ऊपर में 5585 रुपये तक का बाजार देखने को मिला है। 5585 रुपये ऊपर में चने का बाजार रहा है। मसूर की बाजार की बात करें तो लगभग 50 बोरी के आसपास आवक है और 5600 रुपये से लगाकर 5800 रुपये तक का मसूर का बाजार है। मसूर के बाजार में कुछ तेज़ी देखने को मिली, बारीक माल था बढ़िया माल जो 5800 रुपये तक बिका है। धनिया के बाजार की बात करें 4601 रुपये बिका है नीचे में, ऊपर में 5700 रुपये तक बिका है। एकदम बढ़िया क्वालिटी के माल की आवक नहीं, लगभग 100 बोरी के आसपास धनिया की आवक है, ज़्यादा आवक देखने को नहीं मिली है धनिया के अलावा। बात करते हैं लहसुन के बाजारों की। 4100 रुपये नीचे में हल्का माल और ऊपर में 12492 रुपये देशी लहसुन बिका है। ऊपर में 12492 रुपये तक का बाजार है, नीचे में 4100 रुपये तक का बाजार है। अमूमन बाजारों की बात करें तो लगभग 65 रुपये 70 रुपये से लगाकर 10000 रुपये तक का बाजार है और मीडियम मालों का बाजार 5500 से 6500 रुपये के बीच का बाजार है। इसके अलावा बात करें मेथी के बाजारों की। 5100 रुपये नीचे में बिका, 5100 रुपये ऊपर में 6400 रुपये मेथा बिका है। और मेथी की आवक की बात करें कितनी आवक देखने को मिली है तो मेथी में लगभग 600 बोरी के आसपास आवक देखने को मंदसौर मंडी में मिली है। इसके अलावा अलसी की बात करें तो बाजार में तेज़ी रही है, लगभग 350 बोरी के आसपास आवक बनी है और 5001 रुपये नीचे में बिका है, ऊपर में 5360 रुपये 5360 रुपये बिकी है अलसी। तो अलसी के बाजार भी सुधार देखने को मिले कल के मुकाबले, बाजारों में अलसी में भी तेज़ी देखने को मिली है। इसके अलावा सरसों रायड़ा की बात करें, 4750 रुपये नीचे में बिका, ऊपर में 5050 रुपये बिकाए, 100-150 बोरी के आसपास की कुल मात्र सरसों रायड़े की आवक है। इसके अलावा बात करते हैं इसबगोल की। 9946 रुपये नीचे में बिकी है, ऊपर में 11279 रुपये। तो दोस्तों इसबगोल में आवके नहीं है, 10-20 बोरी की कुल मात्र आवक है। इसके अलावा प्याज के बाजारों की बात करें, 500 रुपये से लगाकर 3000 रुपये तक के बाजार हैं। नीचे में 500 रुपये ऊपर में 3000 रुपये, 2000 के आसपास के कट्टों की आवक का अपडेट है। इसके अलावा बात करते हैं कलौंजी, आवके नहीं है, 10 बोरी मात्र आवक है, 7000 एक ढेर बिका, 20090 एक बिका है ऊँचे में। तो ऊँचे में 20000 रुपये 20090 बिका, बढ़िया एकदम स्पेशल मालों की आवक नहीं, क्योंकि मंडी में आवक ही नहीं है। इसके अलावा डॉलर चना 4000 रुपये नीचे में बिका, ऊपर में 6800 रुपये बिका है, बढ़िया माल स्पेशल माल, 6500 रुपये के बाजार पक्के हैं और एक ढेर 6800 रुपये बिका है। इसके अलावा तिल्ली के बाजारों की बात करें, आवक नहीं है, 6000 रुपये से 7200 बिका है, 5-10 बोरी मात्र आवक है दिल्ली के अलावा। असालिये के बाज़ारों की बात करें, असालिये में लगभग 75-80 बोरी के आसपास आवक है, 3800 रुपये से लगाकर 4200 रुपये तक असालिया बिका है, 3800 नीचे ऊपर में 4200 रुपये तक। तो दोस्तों ये है मंदसौर मंडी के सभी जिन्सों के बाजार, न्यूनतम भाव और उच्चतम भाव और आवक का अपडेट। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, ना आए तो ज़रूर डिसलाइक करें।